और सूर्य जी को अपने आप में अपना लिया है, सूर्य जी को जो है अपना लिया है। और जब हम अपने सूर्य जी के अनुसार चलते हैं तो हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं। आज जैसे ही बालक ध्रुव पिता के गोद में बैठ, क्योंकि उत्तम पिता के गोद में बैठा हुआ था, और जैसे ही ध्रुव ने हाथ ऊपर खड़े किए, उसी समय विमाता सुरुचि ने बाणों का प्रहार किया। अरे बालक, अभी तू इस गोद में बैठने के लायक नहीं हुआ है। तू जो है भगवान से बर मांग, और बर क्या मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ में उत्पन्न हूं, और फिर जाकर के मैं तू इस राजा की गोद में बैठ सकता है। विमाता के वचनों से विदीर्ण हो गए ध्रुव जी, रोते रोते दौड़ते दौड़ते अपनी मां सुनीति के पास गए। मां, मैं पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन विमाता के वचन कहा पहले भगवान की तपस्या कर, भगवान को प्रसन्न कर, और फिर मेरी इस गोद में बैठने के लायक होगा। मां ने भी अपने शरीर अपने हृदय में पत्थर रख करके ध्रुव को कहा कि बेटा, ठीक ही तो कहा है कि जो माया मोह का जंजाल है इसका परित्याग कर और जा वन में जाकर तपस्या कर। ध्रुव जी रोते रोते वन की तरफ चल पड़े, और जैसे ही वन में जाने लगे नारद जी का सामना हुआ। सिसक सिसक कर रो रहे हैं। नारद जी ने देखा, ओ तेज क्षत्रियाणाम, अरे यह तेज तो क्षत्रियों का सा लग रहा है, पर तू रो क्यों रहा है? क्या मेरी विमाता ने मुझे कहा कि जा वन में और तपस्या कर, भगवान को प्रसन्न कर? बेटा, कौन से भगवान की बात कर रहा है? वो कौन से भगवान है, क्या कभी देखा है? और कौन से वन में जाओगे? अटल निश्चय कर लिया है, कुछ भी हो जाए भगवान को पाना है। 5 वर्ष के ध्रुव जी हैं, अरे थे की लीलाओं को अपने हृदय में धारण करूंगा। देखा है कभी भगवान को? नहीं महाराज। तो वन में जा रहे हैं, जंगली जानवर कहीं खा न ले, ऐसे ध्रुव जी को नारद जी ने कई बार डराया है, लेकिन ध्रुव जी अटल हैं। बाबा, आपने अगर भगवान को बताना है तो बता दीजिए, नहीं तो हम चल रहे हैं। कान में मंत्र, 12 अक्षरों का मंत्र फूंक दिया, और ध्रुव जी को भगवान की आकृति बता दी। ससन सकिरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम, ध्रुव जी सुदेवा 12 अक्षर मंत्र का उपदेश दे दिया, और कहा कि यमुना तट में मधुबन है, और मधुबन में जाकर के मेरे आराध्य प्रभु ठाकुर जी का ध्यान करना, उनको भजना। बस ध्रुव जी चले गए, धीरे धीरे जाते हुए नित्य निरंतर गंगा जी में स्नान प्रारंभ किया, और समाधि लगाकर बैठना प्रारंभ किया। त्रिरात्रे, और पहले दिन पहले महीने में 3-3 दिन का व्रत प्रारंभ किया। और दूसरे महीने में थोड़ा और जोर लगाया,
तो छह दिन में, पहले कितने दिन में थे? तीन दिन में। छह दिन में जो है ध्रुव जी ने अब पहले फल खा रहे थे, प्रारंभ कर दिया का उसी समय हाहाकार मच गया। देवता लोग सब भाग के भगवान के पास गए, प्रभु ये क्या हो रहा है, सबकी प्राणवायु रुक गई, क्योंकि आज भगवान का एक भक्त भगवान को प्राप्त करने के लिए अपनी प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर के एक अमूर्जन्य शंख लेकर के ध्रुव के सन्मुख खड़े हैं। अब ध्रुव महाराज जी को जब ब्रह्मरंध्र में अपनी प्राणवायु को रोका तो भगवान की वह छवि ध्रुव जी के हृदय में आ गई, जो मेरे गुरुदेव ने कहा था। अब जैसे ही उस छवि को निहार रहे हैं, भगवान सन्मुख खड़े हैं लेकिन नहीं खुल रहे हैं। आंखें खोली तो जो भीतर थे वो बाहर सन्मुख खड़े देखे, बोले भक्त वत्सल भगवान। जैसे बाहर खड़े देखे ध्रुव जी ने सोचा